सिद्धार्थ शुक्ला के लिए रीता माँ और बहनों ने रखी प्रार्थना सभा। शहनाज गिल नहीं आई नजर। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया को अलविदा कहे एक साल हो चुका है। दिवंगत एक्टर के लिए अनेक परिवार ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिसमें शहनाज गिल नजर आई। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए रीता माँ और बहनों ने रखी प्रार्थना सभा। शहनाज गिल नहीं आई नजर। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 2 सितंबर को वो अपने परिवार और फैंस को रोता बिलखता छोड़ गए थे। गुरुवार को ही सिद्धार्थ के परिवार ने ब्रह्म कर्मियों के साथ प्रार्थना सभा में भाग लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में माँ रीता शुक्ला, उनकी बहनें और परिवार के कुछ और लोग नजर आ रहे हैं। प्रार्थना सभा के बाद भोग व प्रसाद भी बांटा गया। इस पूरे कार्यक्रम में शहनाज गिल कहीं नजर नहीं आई। कुछ दिन पहले भी जन्माष्टमी के मौके पर रीता माँ ने ब्रह्म कुमारियों के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान उन्हें ब्रह्म कुमारी के सदस्यों, बच्चों और परिवारों के साथ देखा गया। सिद्धार्थ शुक्ला ब्रह्म कुमारियों के प्रबल अनुयायी थे और अक्सर अपनी माँ के साथ इनके कार्यक्रमों में उपस्थित रहते थे। उनके निधन के बाद शहनाज गिल भी ब्रह्म कुमारियों में शामिल हो गई थी, पर सिद्धार्थ के लिए की गई प्रार्थना सभा में वह नजर नहीं आई। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ के सबसे करीब थे और वह हमेशा उनकी बातचीत का हिस्सा रहती थी। माँ बेटे की यह खास बॉन्डिंग बिग बॉस 13 के दौरान देखने को मिली थी, जब रीता माँ सिद्धार्थ से मिलने आई थी। दोनों साथ में काफी फ्रेंडली थे। फैंस को आज भी याद है कि कैसे सिद्धार्थ अपनी माँ को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग महिला मानते थे। इस मौके पर फैंस शहनाज गिल को भी देखना चाहते थे, पर वो कहीं नजर नहीं आई। हालांकि इससे पहले ब्रह्म कुमारियों के कई कार्यक्रमों में शहनाज अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ के फैंस उन्हें नम आंखों से याद कर रहे थे। पिछले साल आज के ही दिन सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर आई थी, जिसने उनके फैंस और परिवार को हिला दिया था। फैंस को तो आज तक यकीन नहीं हो पाया कि बिग बॉस 13 विनर अब हमारे बीच नहीं रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।